क्वेश्चन नंबर थ्री फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग एनी सूटेबल रूल ऑफ डिफ्रेंसीएशन इस क्वेश्चन के टोटल सिक्स पार्ट्स हैं पार्ट ए वाई इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स इसको हम यू भी लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू नेचुरल लॉग एक्स रिश्तवार वन बाई टू क्योंकि डेरावेटिव में हम लोगों ने स्क्वेयर रूट से या डिनोमिनेटर से जान छुड़ानी होती है और फर्दर आप देखें एल एन एक्स स्क्वायर वन बाई टू इसको इसका जो पावर रूल होता है जैसे लॉग एक्सक्वायर टू है तो इसको हम लिख सकते हैं टू लॉग एक्स तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब इंटू हाफ एल एन ऑफ एक्स अब डरेवेटिव लेते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट साइड बन जाएगी डी वाई और राइट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो हाफ कॉमन आ जाएगा और अंदर रह जाएगा एक्स क्यूब इंटू एलन ऑफ एक्स अब इसको देखें ये दो टर्म्स हैं एक्स क्यूब और एल एन ऑफ एक्स तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो वन बाई टू तो बाहर ही रहा और अंदर क्या आ जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू डरेवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू डरेवेटिव ऑफ फर्स्ट अब देखें एक्स क्यूब तक तो सेम रहा डरेवेटिव ऑफ़ एलेन ऑफ एक्स क्या होता है जो हम लोगों ने लॉग के डरेवेटिव के फार्मूले याद किए थे इसमें आप देखें सबसे पहला ही हमारा फार्मूला है तो डायरेवेटिव ऑफ एलेन ऑफ एक्स होता है वन ओवर एक्स प्लस एलन ऑफ एक्स और फाइनली डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा थ्री एक्स स्क्र इसमें एक्स एक्स के क्यूब को काट देगा स्क्यर बन जाएगा अब देखते हैं दोनों में से क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है एक्स स्क्र कॉमन निकल सकता है तो बाहर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्र बाई टू और अंदर बच जाएगा वन प्लस थ्री एल एन ऑफ एक्स ये हमारा आंसर है पार्ट बी वाई इक्वल टू एक्स स्क्र अंडर द रूट एल एन ऑफ एक्स इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र एलन ऑफ एक्स होल रेस्ट बार वन बाय टू अब इस पे पावर रूल नहीं लगेगा क्योंकि एलन ऑफ एक्स रेस्ट बार वन बाय टू नहीं है एलन ऑफ एक्स होल रेस्ट बार वन बाई टू है अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड के ऊपर देखें दो टर्म्स हैं तो इसके ऊपर कौन सा रूल लगेगा प्रोडक्ट रूल तो डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट टर्म इंटू डायरेवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म इंटू डायरेवेटिव ऑफ फर्स्ट एक्सक्वायर तो एरेटिव लिख दिया अब इसको खोलना है तो वन बाई टू पावर रूल की मदद से इंटू एलन ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू इंटू डरेवेटिव ऑफ एलेन ऑफ एक्स प्लस एलेन ऑफ एक्स होल स्क्वायर वन बाई टू इंटू डरेवेटिव ऑफ एक्स स्क्र क्या होता है टू एक्स अब यहाँ पे जो सबसे शुरू में एलन ऑफ एक्स होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू है इसको हम किधर लेके जाएँ नीचे लेके जाते हैं एलेन ऑफ एक्स होल स्क्वायर वन बाय टू बना देते हैं और डेरिवेटिव ऑफ़ एलन ऑफ एक्स बनाना है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला शीट देखते हैं एलन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन ओवर एक्स बाकी टर्म को हम लोग रीअरेंज करके लिख देते हैं प्लस टू एक्स अंडर द रूट एलन ऑफ एक्स क्योंकि अब इसका डेरिवेटिव तो नहीं लेना हम लोगों ने ऊपर वाले एक्स स्क्र का स्क्वेयर नीचे वाले एक्स से कट जाएगा तो पहली टर्म में बच जाएगा एक्स ओवर टू एलन ऑफ एक्स रे पावर वन बाय टू को मैं लिख रहा हूँ अंडर द रूट एलन ऑफ एक्स प्लस टू एक्स अंडर द रूट एलन ऑफ एक्स ये हमारा आंसर है पार्ट सी वाई इज इक्वल टू नेचुरल लॉग अंडर द रूट एक्सक्वेयर प्लस वन डिवाइड बाई एक्सक्वेयर माइनस वन इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग एक्सक्र प्लस वन डिवाइड बाई एक्सक्वेर माइनस वन होल रेस टू द पावर वन बाय टू और इसको हम लोग लॉग एक्सक्वेयर से जिस तरह टू लॉग एक्स बनाया था बना सकते हैं हाफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्सक्वेयर प्लस वन डिवाइड बाई एक्सक्वेयर माइनस वन अब डिफरेंशिएट करते हैं लेफ्ट साइड बन जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड को डिफरेंशिएट करना है तो हाफ तो एज इट इज रहा और डायरेवेटिव ऑफ़ नेचुरल लॉग एक्सक्वेर प्लस वन डिवाइड बाई एक्सक्वायर माइनस वन निकालना है अब देखिए नेचुरल लॉग का डायरेवेटिव लेना है तो so, जो नेचुरल लॉग के फार्मूले हैं उसमें ये नेचुरल लॉग ऑफ यू की तरह बिहेव करेगा इसमें यू क्या है ये कम्प्लीट टर्म एक्सक्र प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करना होता है वन ओवर यू आ जाएगा तो यानी कि वन ओवर दिस कम्प्लीट टर्म आएगा वन डिवाइड बाई एक्सक्र प्लस वन डिवाइड बाई माइनस वन और डेरिवेटिव ऑफ यू भी लेना है तो ये सारी टर्म यू है इसका लेंगे derivative. अब ये देखें दो टर्म्स हैं इसका मतलब है ऊपर नीचे हैं क्वेश्चन रूल लगेगा और क्वेश्चन रूल क्या होता है लोअर टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं फिर लोअर टर्म ही न्यूमिनेटर में स्टार्ट करती है डेरिवेटिव ऑफ़ द अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म जिसको जिंगल के तरीके से हमने क्या सीखा था लो डी हाई माइनस हाई डी लो स्क्वायर द बॉटम एंड दे वी को तो ये यहाँ तक तो एज इट इज है अब इसको हम लोगों ने करना है तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ले लेंगे नीचे वाली ही टर्म ऊपर भी स्टार्ट करेगी इनटू डेरिवेटिव ऑफ द अपर टर्म माइनस अपर टर्म एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ द लोअर टर्म अब ये देखें ये एक्सक्वेयर माइनस वन नीचे वाले एक्सक्वेयर माइनस वन के स्क्र से कट गया तो पीछे हमारे पास बच गया वन बाय टू नीचे हमारे पास आ गया एक्सक्वा प्लस वन इंटू एक्सक्वेयर माइनस वन ऊपर हमारे पास ये है एक्स स्क्वेयर माइनस वन इसका डेरिवेटिव लेंगे वन कांस्टेंट है इसका तो जीरो हो जाएगा एक्सक्वेयर का डेरिवेटिव होता था है टू एक्स माइनस एज इट इज एक्सक्र प्लस वन एज इट इज़ इसका डायरेटिव लेंगे माइनस वन कॉन्स्टेंट है इसका डायरेटिव जीरो एक्स स्क्र का डायरेटिव टू एक्स अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो वन बाय टू आया एज इट इज़ नीचे वाले को हमने क्या कर दिया ये देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला था तो उसको ए स्क्यर माइनस बी हम कर सकते हैं जिससे हमारे पास वैल्यू आ जाती है एक्सट स्क्वा फोर माइनस वन ऊपर टू एक्स कॉमन लिया जा सकता है देखें इसमें भी टू एक्स है इसमें भी टू एक्स है तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्सक्वेयर माइनस वन माइनस और ये एक्स स्क्र प्लस वन फर्दर सॉल्व करते हैं स्क्रीन भी थोड़ी क्लियर कर दी ये आ गया टू एक्स हम लोगों ने कॉमन ले लिया था अंदर देखें एक्स स्क्र माइनस वन एज इट इज आएगा ये माइनस साइन जब अंदर जाएगा दोनों के साइन चेंज कर देगा माइनस एक्स स्क्र माइनस वन तो अब इसमें क्या कैंसर आउट हो रहा है एक्स स्क्र माइनस से कट रहा है और ये टू टू से कट रहा है तो ये क्या आ गया माइनस वन और माइनस वन माइनस टू और ये एक्स है तो ये हमारे पास ऊपर आ जाएगा माइनस टू इंटू एक्स जिसको फर्दर सॉल्व करें तो माइनस टू एक्स इस तरह कर लिया और माइनस को काटने की कोशिश करेंगे तो कैसे करें देखिए नीचे वालों के अगर साइन उल्टे करने हैं हमने तो इनमें से माइनस को कॉमन ले लेंगे माइनस को बाहर निकाल लें तो अंदर बन जाएगा वन माइनस एक्स एस टू फोर अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही तो देखें इसको दोबारा माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वन हो जाएगा और ये प्लस एक्स फोर हो जाएगा वही चीज़ दोबारा बन जाएगी अब देखें ये माइनस इस माइनस से कट जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा यही टू एक्स डि वन माइनस एक्सक्वायर फोर पार्ट डी वाई इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्र प्लस वन होल रेस पार वन बाय टू क्योंकि अंडर द रूट से हमने जान छुड़ानी होती है डिफ्रेंशिएशन में डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो लेफ्ट साइड हो जाएगी डी वाई बाई डी वा एक्स और राइट साइड का डरेवेटिव लेंगे राइट right साइड का डेरिवेटिव लेना है तो नेचुरल लॉग के फार्मूले आपको आने चाहिए डायरेवेटिवस के अब देखिए नेचुरल लॉग के अंदर कौन सी टर्म है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है एक्स के अलावा और भी कुछ है बहुत कुछ है तो इसको हम नेचुरल लॉग ऑफ यू कह लेंगे अब इसमें यू क्या चीज़ है इसको यू समझेंगे तो जो इसका डेरिवेटिव निकलेगा वो होगा वन ओवर यू यानी वन ओवर दिस होल टर्म इंटू डरेवेटिव ऑफ यू यानी कि डायरेवेटिव ऑफ दिस होल टर्म अब काम आसान हो गया है? ये वाली चीज़ तो एज इट इज़ आ गई लेफ्ट वाली इसमें देखें अब चूँकि हमने अगर डेरिवेटिव नहीं लेना तो इस टर्म को मैंने दोबारा से अंडर द रूट एक्स स्क्र प्लस वन लिख लिया क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेने की अभी ज़रूरत नहीं है जिसका डेरिवेटिव लेना होता है उसके अंदर स्क्यर रूट नहीं लिखना होता अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी देखें एक्स है इसका डेरिवेटिव हुआ वन माइनस इसका डेरिवेटिव लेना है तो एक्सटेंडेड पावर रूल से लेंगे हाफ इधर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वन की पावर में से वन माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू इंटू डरेवेटिव ऑफ दिस थिंग यहाँ तक एज इट इज़ आ गया इसको देखें एक्स स्क्र प्लस वन हो रहा माइनस वन बाई टू इसको नीचे लेके आएंगे तो एक्स स्क्र प्लस वन रेज टू द पावर वन बाय टू हो जाएगा और इसका डायरेवेटिव लेंगे तो वन कॉन्सटेंट है कॉन्सटेंट का डायरेटिव जीरो एक्स स्क्र का डायरेटिव हो जाएगा टू एक्स अब कोई चीज़ कट रही है ये टू इस टू से कट रहा है फर्दर सॉल्व करें ये हमारे पास बच गया x डिवाइडेड बाई इसको भी अब स्क्वेयर रूट की शक्ल में ले आते हैं एक्स डिवाइडेड बाई अंडर द रूट एक्सक्र प्लस वन स्क्रीन क्लियर करते हैं और इसको अभी देखें इसका भी हम लोग एल सी एम ले सकते हैं अंडर द रूट एक्स स्क्र प्लस वन तो ले लेते हैं ऊपर क्या यहाँ पे आ जाएगी अंडर द रूट एक्सक्र प्लस वन माइनस एक्स फर्दर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखें ये टर्म और ये टर्म तकरीबन मिलती जुलती हैं सिर्फ साइंस का फ़र्क है एक्स का साइन यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है इस टर्म का साइन यहाँ पे प्लस है जबकि यहाँ पे माइनस है तो अगर इसमें से हम लोग माइनस साइन को बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा एक्स माइनस अंडर द रूट एक्स स्क्र प्लस वन ताकि हम लोग इस टर्म को और इस टर्म को कैंसिल आउट कर सकें अब हमारे पास फाइनल शेप में ऊपर देखें माइनस वन है और नीचे अंडर द रूट एक्स स्क्र प्लस वन ये हमारा आंसर है पार्टी वाई इक्वल टू ई रेस्ट हुआ माइनस टू एक्स इंटू कॉस टू एक्स बहुत ही आसान है डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और राइट right साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसके अंदर दो हिस्से हैं यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा फर्स्ट टर्म एज इट इज़ इंटू डरेवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़ इंटू फर्स्ट टर्म का डायरेवेटिव ई रेस्पा माइनस टू एक्स टू एज इट इज आएगा कॉस का डायरेवेटिव क्या होता है साइन तो ये आ जाएगा साइन टू एक्स इंटू डरेवेटिव ऑफ द टू एक्स प्लस कॉस टू एक्स एज इट इज आएगा और डायरेवेटिव ऑफ ई रेस्पा माइनस टू एक्स क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फार्मूले आपको याद हैं ई e की पावर है ए e की पावर नहीं है और ई e की पावर अदर देन एक्स है एक्स के अलावा कुछ और भी है तो इसका डेरिवेटिव होता है ये फंक्शन एज इट इज़ इन टू ऑफ़ द पावर फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ तक तो एज इट इज़ आएगा डरेवेटिव ऑफ टू एक्स क्या होता है टू बस ये वाला हिस्सा एज़ इट इज़ और डरेवेटिव ऑफ माइनस टू एक्स होता है माइनस टू अब देखिए इसमें टू इंटू ई ई माइनस टू एक्स कॉमन आ सकता है इसमें भी टू इंटू ई रेस्वा माइनस टू एक्स है और इसमें भी टू इंटू ई ई माइनस टू एक्स है तो पीछे क्या बच जाएगा साइन टू एक्स और यहाँ पे ये माइनस साइन भी है तो ये हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स और ये आपका आंसर है पार्ट एफ़ वाई इक्वल टू एक्स स्क्र इंटू ई ई रेसवा साइन ऑफ एक्स ये भी बिल्कुल सिंपल है पिछले सवाल की तरह इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट तो साइड हो जाएगी डी वाई बाई डी एक्स और राइट साइड का डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें भी देखें दि� दो टर्म्स हैं इसमें भी प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा फर्स्ट टर्म एज इट इज इंटू डायरेवेट ऑफ सेकेंड प्लस सेकंड टर्म एज इट इज इंटू डायरेवेट ऑफ द फर्स्ट तो एक्सक्वेर टू एज इज रहा इस टर्म का जब डायरेवेटिव लेना है तो वो हम लोग लेंगे किस फार्मूले से ई पावर यू की मदद से क्योंकि ई रेस्टवार एक्स नहीं है बल्कि साइन ऑफ एक्स है बहुत कुछ है एक्स्ट्रा चीज़ तो इसका डायरेवेटिव लेना हो तो क्या होता है फंक्शन एज इज हो जाता है इंटू डायरेवेटिफ द पावर यानी डायरेटिव ऑफ द साइन एक्स क्योंकि पावर यहाँ पे साइन एक्स है ये चीज़ इज़ आई और डायरेवेटिव ऑफ एक्सक्वेर क्या होता है टू एक्स अब देखते हैं ये इज़ सा साइन एक्स का डायरेवेटिव क्या होता है कॉस एक्स और ये वाली चीज़ एज इट इज़ है लेकिन इसको रीअरेंज कर लेते हैं टू एक्स को पहले लिख लेते हैं ई रेस पास साइन एक्स को बाद में लिख लेते हैं अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है देखें एक तो एक्स इसमें भी है इसमें भी है ई रेस पास साइन एक्स इसमें भी है इसमें भी है तो ये कॉमन ले लेते हैं एक्स और ई रेस्पॉ साइन एक्स यहाँ पर क्या बच जाएगा एक एक्स और एक कॉस एक्स और यहाँ पर क्या बच जाएगा सिर्फ प्लस टू तो ये हमारा आंसर है स्टडी विथ मी अ लर्निंग एक्सपीरियंस